हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं, न्यू सेशन का स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको मैं आपके अगर 10th क्लास स्टार्टिंग है, अगर आप पहला वीडियो देख रहे हैं, तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपने 10th की प्रिपरेशन के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी अपनी क्लियर करनी है। मीन्स जो आपके एनसीईआरटी साइंस की बुक है, बस वो अच्छे से अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको किसी और राइटर की किसी की भी बुक की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जितना आपको नॉलेज चाहिए वो एनसीईआरटी में सब कुछ है, और आपके एग्ज़ाम में एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाता है। ठीक है, कहीं से भी अलग से कुछ नहीं आएगा, सब कुछ आपके एनसीईआरटी बुक से ही आएगा। इसके लिए चाहे आप आगे कंपटीशन एग्ज़ाम में भी जाओगे ना, वहाँ पर भी आपके एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं, इसलिए एनसीईआरटी का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज अपना नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये केमिस्ट्री का पार्ट है, तो हम सबसे पहले आज केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या समझ रहे हो आप? केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस आपने पढ़ा हुआ है ना कि क्या होते हैं। फिजिकल चेंज जिसमें प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, अगर वो ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस आ रहे पर उसकी प्रॉपर्टी नहीं चेंज हो रही तो फिजिकल चेंज है, और अगर उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है तो वो क्या है? केमिकल चेंज है। तो ऐसे ही हम कुछ केमिकल रिएक्शंस देखेंगे, और उस रिएक्शंस को लिखते कैसे हैं, उसकी इक्वेशंस कैसे बनाते हैं, ये सारा हम इस चैप्टर में क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों, आपने आसपास कुछ आपने देखी होगी रिएक्शंस, जैसे कि दूध को अगर आप रूम टेम्परेचर पर छोड़ दो, ठीक है, गर्मियों में, ठीक है, अगर लोहे के तावे को, ठीक है, जो जिससे रोटी बनाते हैं, एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दो, अगर ग्रेप्स जो हैं वो फर्मेंट हो रहे हैं, पकते हैं, फूड जो हो रहा कुक हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद फूड गेट डाइजेस्ट हो रहा, हम खाना खा रहे हैं वो फूड डाइजेस्ट हो रहा, हम सांस ले रहे हैं, ये सारी प्रोसेस, ये जो सारी एक्टिविटी दी है, जो इतनी सारी सिचुएशंस आपको दी है नेचर में, अगर आप ध्यान से समझोगे तो सब में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहा है। ठीक है, तो अब इसमें देखो, आप प्रीवियस क्लास में जैसे कि पढ़ चुके हो कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, ये सब आपको पता ही लग गया है। तो यहाँ पर आप देखो कि केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, जितने भी चीज़ें हो रही है उसमें सब में केमिकल चेंज हो रहे हैं। जैसे कि अगर आपका मिल्क जो था वो क्या हो जाता है, अगर गर्मियों में रखा तो क्या होता है, फट जाता है ना, खराब हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से लोहे के तावे को अगर आपने रख दिया तो उसमें क्या होता है, जंग लग जाता है। ठीक है, उसमें भी केमिकल रिएक्शन हो गई। अगर ग्रेप्स जो है फर्मेंट हो रहे हैं तो भी क्या हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, उसमें केमिकल रिएक्शंस हो रही है। ठीक है, उसके बाद फूड अगर कुक हो रहा है, ठीक है, खाना बन रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। ठीक है, अगर फूड डाइजेस्ट कर रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होगा, जब डाइजेस्ट होगा सिंपलेस्ट सब्सटेंस होगा, तो वो भी क्या होगा, केमिकल चेंजेस। अगर हम सांस ले रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अंदर केमिकल चेंजेस हो रहा है। ठीक है, तो ये सारा हम आगे डिटेल पढ़ते हैं कि कैसे होता है। ठीक है, तो ये सारी रिएक्शन जो भी हमने, ये सारी चीज़ें सिचुएशंस देखी, ये सारी किस में होती है, केमिकल चेंजेस में। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है आपको, ये एक्टिविटी ध्यान से देखनी है, इस एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन 2 मार्क्स का आई जाता है। तो इसमें बेटा आपको क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या क्या, यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये जो इसने हाथ में पकड़ा हुआ है ना, इसको बोलते हैं टॉग। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये है, इसको बोलते हैं बर्नर। ठीक है, और साथ में यहाँ पर ये जो ग्लास रखा हुआ है, इसको बोलते हैं वॉच ग्लास। ठीक है, अब इसमें रिएक्शन हो क्या रही है, इसमें ये रिएक्शन हो रही है कि यहाँ पर टोंग में जो है एक मैग्नीशियम रिबन लिया हुआ है। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर में जला रहे हैं, इस बर्नर की हेल्प से उसको जला रहे हैं। ठीक है, अब जलाने में जब जलता है ना मैग्नीशियम रिबन, तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो, व्हाइट कलर का इसमें पाउडर सा गिर रहा है ना। ठीक है, वो व्हाइट कलर का पाउडर यहाँ इकट्ठा जो हुआ है, ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये कैसे हुआ, देखो मैग्नीशियम रिबन था, मैग्नीशियम रिबन मीन्स MG था आपके पास। ठीक है, अगर वो एटमॉस्फेयर में जल रही है तो एटमॉस्फेयर में जलने में कौन हेल्प कर रहा है, उसकी ऑक्सीजन हेल्प कर रही है ना, तो ऑक्सीजन के साथ जल रहा है, तो ये दोनों जब मिल गए तो क्या बनाएंगे, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है,
तो इस तरीके से यहाँ पर आपको जो ऐश मिल रहा है, जो पाउडर मिल रहा है ना, वो किसका हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से समझ आ गया। तो अब इसमें बेटा एक चीज़ और है कि इस एक्टिविटी को करने के लिए जब आप मैग्नीशियम रिबन को लोगे ना, तो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक ऑक्साइड्स की लेयर होती है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो एक लेयर होती है ना, उस वो क्या करती है, उसको जलने में हेल्प नहीं करती है, मीन्स वो जलने नहीं देती है, कहीं ना कहीं उसमें रुकावट पैदा करती है जलने से। तो इसके लिए जब भी मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है ना, फॉर एग्जाम्पल ये मैग्नीशियम रिबन है, तो उसको जब भी जलाना है ना, तो उसको एक सैंड पेपर होता है, सैंड पेपर समझते हो ना, ऐसे सैंड पेपर होता है, उसमें ऐसे थोड़ा सा खुरदुरा सा रहता है, जिसको ड्रैग मार्क भी बोलते हैं हिंदी में, उससे क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। उससे साफ करने पर जो इसके ऊपर की जो लेयर होती है वो क्या होती है, निकल जाती है। अब जब लेयर निकल जाएगी तो मैग्नीशियम जो है इजीली क्या हो जाएगा, जलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ आ गया मैग्नीशियम एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम को जब जलाया जाता है तो उसमें क्या होता है, पहले उसको रैग मार्क से साफ किया जाता है, क्योंकि ऊपर जो उसके ऑक्साइड की लेयर होती है वो उसको जलने नहीं देती है। ठीक है, तो ये टॉपिक शायद आपको अच्छे से समझ आ गया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। आगे आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि जो केमिकल चेंजेस होते हैं ना, केमिकल रिएक्शंस होती है, उसमें क्या क्या हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर किसी एक्टिविटी में हम कुछ ऑब्जर्व करें तो क्या कर सकते हैं उसमें। देखो, एक तो स्टेट उसका चेंज होता है, दूसरा क्या हो जाता है, अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसका कलर भी चेंज हो जाता है, तीसरा क्या होता है, उसमें गैस इवोल्यूशन होती है, उसके बाद उसका टेम्परेचर भी क्या होता है, चेंज होता है। तो मतलब जो भी केमिकल रिएक्शंस होती है, अगर हम केमिकल रिएक्शंस की कोई भी एक्टिविटी देखें तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती है। ठीक है, तो हमने इन सबको अगर देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं जिसमें होती है, इट मीन्स वो क्या है, केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन, जैसे कि यहाँ पर अब मैं आपको एक एक्टिविटी दिखा देती हूँ, ये एक्टिविटी कई बार आपको पूछी जाती है, तो आपको सारी एक्टिविटियाँ ध्यान से करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पर क्या दे रखा है, ये जो ग्लास सा दिया हुआ है ना, ये इसको बोलते हैं कॉनिकल ट्यूब, सॉरी कॉनिकल फ्लास्क। ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हमने सबसे पहले डाल दिया यहाँ पे, यह जो लिक्विड डला हुआ है इसको बोलते हैं जिंक सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया, यहाँ पर लगा दिया कॉर्क। ठीक है, कॉर्क इसलिए लगाया, और साथ में यहाँ बीच में लगा दी ग्लास ट्यूब। इससे क्या होगा कि जो इसके अंदर गैस बनेगी ना, वो सिर्फ इस ग्लास ट्यूब के थ्रू ही निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब कॉर्क लगाया, उसके बाद इसमें एसिड डाला हुआ था, और साथ में इसमें क्या डाल दिया हमने, जिंक ग्रेनुलेट, मतलब सब जिंक जो होता है ना, उस जिंक का टुकड़ा। ठीक है, मतलब जिंक मेटल जो होती है ना, उसके छोटे छोटे पीसेस, उसके छोटे छोटे पीसेस, ठीक है, वो पीसेस हमने इसमें डाल दिए। अब यहाँ पे रिएक्शन शुरू हो गई, जैसे जिंक और इसके साथ क्या मिल गया, एसिड। कौन सा एसिड डाला, यहाँ पे डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो H2SO4। ठीक है, और उसके बाद जब ये रिएक्शन शुरू हुई ना, तो ये याद रखो, मेटल ऑलमोस्ट एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है, ये आपने क्लास 8 में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करी और हाइड्रोजन गैस बनने लगी, तो वो हाइड्रोजन गैस क्या हुई, यहाँ से जो ये हमने ग्लास ट्यूब लगा रखी, यहाँ से निकलना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब इसको हम डिटेल में नेक्स्ट बाद में पढ़ेंगे, अभी इतना ही देखना है। नेक्स्ट, अब ये केमिकल चेंजेस होती है, केमिकल इक्वेशंस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि Mg+O2 गिव राइज Mg, इसको लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपने क्लास 9th में जो है सिंबल्स अच्छे से समझ लिए होंगे, उसकी वैलेंसीज अच्छे से समझ ली होंगी, तभी आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आएगा, है ना। तो सबसे पहले देखो, फॉर एग्जाम्पल आपको रिएक्शंस कैसे लिखनी है, आपको यहाँ पर दे दिया है, जैसे कि हमने पिछली एक्टिविटी में किया था, कि अगर मैग्नीशियम रिबन को हमने जलाया, किसके प्रेजेंट में जलाया था, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, तो किसमें कन्वर्ट हो गया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, अब इसी को आपने अगर रिएक्शन में लिखना है, इक्वेशन में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव राइज मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस तरीके से केमिकल इक्वेशन लिखना है। ठीक है, अब याद रखने वाली बात क्या है बच्चों, कि जब भी ये जो गिव राइज है ना, ये जो एरो का साइन है, इसके जो इस साइड होता है वो क्या होता है, रिएक्टेंट्स, और जो इस साइड होता है वो सारे क्या होते हैं, प्रोडक्ट।
ठीक है। तो यहाँ पर इस अगर रिएक्शन में आपसे पूछा जाए रिएक्टेंट्स कौन सा है, प्रोडक्ट कौन सा है, तो हमने ये ध्यान रखना है, ठीक है, इसके जो इस साइड है ये सारे क्या है रिएक्टेंट्स और ये सारे क्या है प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको लिखना होता है। अब यहाँ पर जो बच्चे मीन्स याद रखो आपके LHS साइड क्या होती है रिएक्टेंट्स और RHS साइड क्या होती है प्रोडक्ट होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको लिखना है। अब इसको अगर आपने इक्वेशंस बनानी है, ठीक है, कि अगर हम केमिकल इक्वेशंस में लिखे तो वो कैसे लिखे, सिंबल्स आपको साथ में लिखना है तो कैसे लिखोगे आप। तो यहाँ पर देखो बच्चों, सामने पहले क्या लिखा था, मैग्नीशियम लिखा था ना, तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है Mg, ये Mg लिख दिया, ठीक है। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है O2, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया O2 लिख दिया, ठीक है। आगे मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है MgO, तो ये आपकी हो गई केमिकल इक्वेशन, और ऊपर हमने केमिकल इक्वेशंस लिखी थी और ये हमारी क्या हो गई रिएक्शन, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स ये अच्छे से आपको समझ आ गया हो। तो एक मेथड, एक चीज और है इसमें, इसके बाद रिएक्शंस को बैलेंस करना। रिएक्शंस बैलेंस क्यों होती है, इसके लिए क्योंकि हमारी जो भी रिएक्शंस होती है ना तो मास क्रिएट होता है और ना ही क्या होता है किसी भी रिएक्शन में डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। तो इसके लिए जो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन है ये मैं अभी आपको बताऊंगी नहीं, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगी ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। तो ये टॉपिक अभी हम इस लेक्चर में छोड़ रहे हैं इसको, ताकि हम अगले लेक्चर में कवर कर सके अच्छे से, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं नहीं बताऊंगी आपको, दूसरे नोट्स बना के, आप अगर 2-4 दिन बाद देख रहे हैं तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और अगर आप आज ही देख रहे हो जिस दिन मैंने अपलोड किया है तो आप जो है 2-4 दिन बाद चेक करना तो आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा कि केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो मेनली कितनी टाइप की होती है, 4 टाइप की होती हैं, ठीक है, मेनली 4 टाइप की होती हैं, और बाकी उनके अंदर और भी होती हैं, फॉर जैसे कि होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, दूसरी होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड होती है डिस्प्लेस एंड फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये 4 मेन होती है, बाकी सारी इनके अंडर में होती हैं अलग अलग। तो अब इसमें देखो बेटा, सबसे पहले हमने पढ़ा हुआ है कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ठीक है, ये पता है ना आपको एलिमेंट्स और कंपाउंड। अगर मैंने लिखा है Mg, ठीक है, Mg लिखा हुआ है तो ये, और अगर मैंने लिखा हुआ है MgO तो इसमें एलिमेंट क्या है और कंपाउंड क्या है, ये क्या है एक अकेला है ना, अकेला है, तो ये क्या हो गया आपका एलिमेंट, ठीक है, दो चीजें मिलके आपस में बनी है तो ये क्या हो गया कंपाउंड, ठीक है। तो ये चीज पता होना चाहिए तभी आपको ये आगे टॉपिक क्लियर होगा। तो चलते हैं फर्स्ट रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट रिएक्शन है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, देखो इस तरीके से यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एग्जांपल दी हुई है, कैसे कि यहाँ पर एक आपको क्या ले लिया गया है, एक बीकर लिया है, ये बीकर हो गया आपका, ठीक है। बीकर में आपने क्या डाला हुआ है, इसमें वाटर डाला हुआ है, साथ में कैल्शियम ऑक्साइड डाला हुआ है, तो जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करती हैं तो ये क्या बनाती हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, तो सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड तो ऑलरेडी है, ठीक है, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो चलिए इसके रिएक्शन देखते हैं कि आखिर हमने ये जो लिखा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसका मतलब क्या होता है। देखो बेटा, अगर आपको दिया हुआ है ए प्लस बी गिव राइज ए बी, ठीक है, तो यहां पर एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट और ये क्या बन गया कंपाउंड, ठीक है। मीन्स जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आपको डिफरेंस दिख रहा है ना, रिएक्टेंट हमने अलग अलग लिखे हुए हैं यहाँ पर, और प्रोडक्ट को हमने क्या लिखा हुआ है, इकट्ठा लिखा हुआ है। तो इससे आप ये समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि जो रिएक्टेंट है दो एलिमेंट आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया, तो चलिए रिएक्शन से देखते हैं। अब रिएक्शन आपकी क्या है, यहां पर आपको एक रिएक्शन दी है, अगर आप इसको देखोगे यहां से मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ ये रिएक्शन। सारी रिएक्शंस इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने अच्छे से ये सारी रिएक्शंस को करना है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या है कि कैल्शियम ऑक्साइड, यहां पर आपको है कैल्शियम ऑक्साइड, अगर आप वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो क्या बनता है स्लैक लाइम, ठीक है, ये आपको फॉर्मूला भी याद रखना है। स्लैक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH2, ठीक है। तो अब इस रिएक्शन को लिखने के लिए 2-3 चीजें आपको और पता होना चाहिए, जैसे कि S, इट मीन्स
वो जो भी हमने एलिमेंट लिया या कंपाउंड लिया वो क्या है, सॉलिड। ठीक है, अगर एल है तो जो भी एलिमेंट और कंपाउंड लिया है वो क्या है, लिक्विड। ठीक है, अगर आपका वहां पर लिखा है ए क्यू, ठीक है, इट मीन्स जो भी हमने एलिमेंट है कंपाउंड लिया है वो एक्वस सॉल्यूशन है, मीन्स उसके अंदर वाटर की क्वांटिटी भी है। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड और एक्वस। और अगर जी लिखा हुआ है इट मीन्स वो किस फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ गया। तो चलिए रिएक्शंस देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड अगर रिएक्ट कर रही है तो क्या प्रोड्यूस कर रही है, क्या कौन सा प्रोडक्ट बना रही है, स्लैक लाइम। पहले तो फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए, CaO, ये क्या है, क्विक लाइम, ये अच्छे से याद रखना, CaO क्विक लाइम, और CaOH2 वो क्या है, स्लैक लाइम। ठीक है, तो जब क्विक लाइम ने किसके साथ रिएक्शन की, वाटर के साथ, H2O के साथ रिएक्शन की, तो ये बन गया स्लैक लाइम, और हीट क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये एरो है, इसके इस साइड जो है, ये जो हमारा गिव राइज है, इसके इस साइड जो है वो क्या है, रिएक्टेंट, और जो इस साइड है वो क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अब रिएक्टेंट कितने हैं आपके पास, दो रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट कितना है आपके पास, वन प्रोडक्ट है। मीन्स आप समझ रहे हो ना कि दो रिएक्टेंट मिलकर के एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, समझ आ गया ना। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं, इन द रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म टू और मोर रिएक्टेंट नॉन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ से आपको ये डेफिनेशन भी मिल गई और आपको समझ आ गया होगा आई होप। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गया ना यहाँ से। तो मुझे कमेंट में बताओ कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको समझ आ गई कि नहीं आ गई। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर आपने ये अच्छे से पढ़ लेना है कि दो अलग अलग जो हैं रिएक्टेंट दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट, उसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब यहाँ पर आपको कुछ दिया हुआ है, डू यू नो, इसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कई बार यहाँ से भी कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ए सॉल्यूशन ऑफ लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन, जो हमने ऊपर रिएक्शन की ना, यूज़ करते हैं हम उसका वाइट वॉश में, जो हमारा CaOH हॉल ब्रेकेट 2 था ना, उसको बोलते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम, वाइट वॉश में, जो घरों में दीवारों को पे करते हैं ना। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका यूज व्हाइट वॉश में करते हैं। तो ये क्या करती है, एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करती है, और इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है। वो लेयर किसकी होती है, वो कार्बोनेट की लेयर होती है। वो लेयर कौन सी हो जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब ये कैल्शियम कार्बोनेट जो फॉर्म होता है ना, ये 2 से 3 दिन में जो व्हाइट वॉश होता है ना, उसमें शाइनी आ जाती है। आपने देखा होगा जब व्हाइट वॉश होता है उस टाइम इतनी चमक नहीं होती वॉल्स में, लेकिन 2-3 दिनों बाद उसमें क्या होती है, शाइनी सरफेस आ जाता है। तो किसके कारण होता है, जो कैल्शियम ऑक्साइड का आपने यूज़ किया था ना, वो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्शन कर लेती है और क्या बनाती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बना लेती हैं, इसलिए वो क्या होता है, चमकने लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने याद रखना है कितने फॉर्मूले यहाँ मिल गए आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का तो पता ही लग गया, ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको मार्बल भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको मार्बल का फॉर्मूला पूछे तो CaCO3। ठीक है, अब देखो ये रिएक्शन बेटा लिखी है ना, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, एक्वस, एक्वस मीन्स पानी में घुली हुई है कोई चीज। कार्बन डाइऑक्साइड के नीचे क्या लिखा हुआ है, गैस। ठीक है, इट मीन्स ये कैसी, कौन सी फॉर्म में, गैस की फॉर्म में। ये कौन सी फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, और ये कौन सी फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस की गई है, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल, अगर हम कोयले को जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंट पे तो क्या बन रहा है, कार्बन डाई ऑक्साइड। तो आप इसकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एग्जांपल भी आप ये लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर, कि H2 और O2 आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं, H2O। ठीक है, तो ये भी क्या हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ आ गया कैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट, दो रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट। ठीक है, एनसीईआरटी को डीपली और अच्छे से पढ़ना है।
ठीक है। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एलिमेंट, दो एलिमेंट कंबाइन होके क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए ये आपने देखा कि जो रिएक्शंस हो रही है उसमें ना हीट जो है प्रोड्यूस हो रही है। आपने देखा होगा ना जब चूना वाइट वॉश के लिए उसको पानी डालते हैं तो उबलता है, मीन्स उसमें से हीट बहुत ज़्यादा निकलती है। तो जिस रिएक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ते हैं हम कि लार्ज अमाउंट में हीट इन्वॉल्व होती है जिस रिएक्शन में, वार्म हो जाता है उसका मिक्सचर, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कुछ दिया हुआ है, एक कार्बन डाइऑक्साइड का भी आप लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो कि CH4 जो नेचुरल गैस है मीथेन, ये अगर ऑक्सीजन के साथ जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है और वाटर बनाती है। लेकिन ये रिएक्शन कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें हीट क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे रेस्पिरेशन है ना, रेस्पिरेशन सांस लेना, वो भी एक तरीके की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी है, तो इसको आपने अच्छे से समझना और एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है। तो देखो बेटा, जब आप ऐसे ही बैठे बैठे, आप देखो, आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो अपनी सांस को बाहर छोड़ो, ठीक है, फील करो। जब आप सांस बाहर छोड़ते हो तो देखो गर्म गर्म हवा आती है ना, तो इट मीन्स क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। हीट प्रोड्यूस हो रही है तो कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो चलो इसको पढ़ते हैं हम, कैसे है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वी ऑल नाउ दैट वी नीड एनर्जी, हमें जीने के लिए किसकी जरूरत है, हमें जीने के लिए एनर्जी की जरूरत है, और वो एनर्जी किससे मिलती है, फूड से मिलती है। ठीक है, अब फूड हमने लिया तो उसको क्या करना है, डाइजेशन करना है। अब डाइजेशन किया है, ठीक है, तो उसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था वो किस में चेंज हो रहा है, सिंपल में, ठीक है, सिंपलर सब्सटेंस में। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने क्या खाया, राइस खाते हैं हम, पोटैटो खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, तो इन सब में क्या कंटेन होता है, कार्बोहाइड्रेट। अब वो कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेक डाउन होता है ना तो वो किस फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में, ठीक है, और ये ग्लूकोज जो है कंबाइन किसके साथ हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है, जो हमारी बॉडी में सेल्स में प्रोवाइड होती है, जो हमारी बॉडी में वो सेल्स को क्या प्रोवाइड करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो ये स्पेशल जो रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, और ये रेस्पिरेशन कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। देखो ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन और क्या प्रोडक्ट, जब हमने सांस निकाला तो कौन सी गैस निकाल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और कुछ मात्रा में उसमें क्या होती है, वाटर। ठीक है, तो अब देखो इस आंसर को अच्छे से ध्यान से समझना है, आपके एनसीईआरटी में और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो हमें जीने के लिए किसकी जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है। एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, हम खाते हैं, जब हम खाना खाएंगे उसको क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, तो खाने में हम क्या खाते हैं, राइस पोटैटो और ब्रेड, और उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होता है किससे, ऑक्सीजन से। ठीक है, ऑक्सीजन से मिलके ब्रेक डाउन होता है तो क्या बनाता है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज हमारी सेल को क्या प्रोवाइड करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं रेस्पिरेशन रिएक्शन, और क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसीलिए हम रेस्पिरेशन रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे थर्ड पॉइंट देख लेते हैं कि द डिकम्पोजिशन ऑफ द वेजिटेबल मैटर इनटू द कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक। देखो जो वेजिटेबल्स वगैरह होती है ना, उनके सब्जी के छिलके होते हैं, फ्रूट के छिलके होते हैं, तो इससे जो है कंपोस्ट बनाई जाती है, मींस खाद बनाई जाती है, उस वो भी रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस एक्टिविटी में देखा कि जहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो रही है वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और हर एक जो है ऑलमोस्ट क्या होते हैं, इनकी फॉर्मेशन जो होती है सिंगल प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है बिल्कुल अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, आज के लिए इतने ही। आपने मेरी वीडियो को अच्छे से देखा और समझा है, और एक एक टॉपिक अगर क्लियर हो गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि मैं वीडियो अपलोड करूँ और आपके पास मैसेज पहुँच जाए। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ।
इसके बाद आपने क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी बुक खोलनी है और जैसे जैसे मैंने पढ़ाया है वैसे ही रीड करके देखो, आपको सब कुछ याद है, ठीक है? इट मीन्स आपको सारा क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है? तो नेक्स्ट टॉपिक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।